हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमें कुछ टाइम पहले iOS 13 का अपडेट देखने को मिला था जो स्टेबल नहीं था और जिसमें काफ़ी सारे बग्स भी हमें देखने को मिलते थे। तो आज iOS 13 का स्टेबल अपडेट आ चुका है जो है iOS 13.2.3। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इसी अपडेट के बारे में, कैसे हम इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कनेक्ट करना होगा अपना फ़ोन किसी वाईफाई से। बिना वाईफाई के हम अपने फ़ोन को अपडेट नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो चलिए जल्दी से सेटिंग से हम अपना अपडेट डाउनलोड स्टार्ट कर देते हैं। और इस अपडेट का साइज़ है 585 MB। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो सेटिंग का लोगो है वो भी घूमना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं जल्दी से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो अपडेट था वो डाउनलोड हो चुका है और अब इसकी प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अपडेट की प्रिपेयरिंग भी अब ख़त्म हो चुकी है और अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों आपको अपनी जो फ़ोन की बैटरी है उसे 30% से ऊपर चार्ज करना होगा, वरना ये जो अपडेट है वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। हमारा जो अपडेट है वो वेरीफाई होने लगा है और जैसे ही वेरीफाइंग हमारे अपडेट की कम्प्लीट होगी तो हमारा जो अपडेट है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो हमारे जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चालू हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है और हमारा जो फ़ोन है वो वापस स्टार्ट हो गया। अब मैं जल्दी से आपको फ़ोन की सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अब 13.2.3 हुआ या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर अब है वो 13.2.3 हो चुका है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो।